हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, यानी कि दो धारावाही चालक है जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, तो उनकी प्रत्येक एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, इसकी हम स्टडी करेंगे। तो हम इसकी स्टडी करें, इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो डेरिवेशन होगी यानी ये जो टॉपिक होगा वो उसी के ऊपर बेस्ड होगा, उसके बिना हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, तो उसको हम चर्चा करते हैं थोड़ी, और उसके बारे में हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि नया साल आपके लिए बहुत खुशियां लेके आए, और आपकी हर जो ख्वाहिश है, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको आप पूरा कर पाए। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप तभी कर पाएंगे जब आप इस नए साल से अपने अंदर एक समर्पण भाव पैदा करें, एक लगन पैदा करें कि हमें इस प्रकार से अपनी स्टडी को अपने एग्जाम तक पूरा करना है और हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो अपने आप से प्रॉमिस कीजिए और कंटिन्यूस अपनी स्टडी में लग जाए, क्योंकि सफलता हमें तभी प्राप्त होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नई उम्मीदों और नई किरण के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे टॉपिक पर, डिस्कस करते हैं। तो समझते हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एक धारावाही चालक तार है, ये एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई हमने एल ली, और इसके अंदर हमारा करंट धारा इसके अंदर आई बह रहा, और ये बी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा हुआ था। तो हमने क्या स्टडी किया कि जब कोई धारावाही चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर चुंबकीय बल लगता है, और उस चुंबकीय बल की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, एफ इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। ये हमारे पास उस बल का फॉर्मूला आया था जो सदिश रूप में है, या इसको हम लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड था, इसको हम समझ चुके थे। दूसरा, यहां से सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने समझनी थी कि जो बल लग रहा है इस बल की दिशा क्या होगी, इस बल की दिशा क्या होगी, यानी ये बल एल और बी का जो प्रोडक्ट आ रहा है, उस एल और बी का जो तल है, प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर एफ की डायरेक्शन होगी। और इस एफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हमने एक नियम आपको बताया था जिसको हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। क्या था हमारा, वो भी हम देख लेते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या था कि यदि हमने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से व्यवस्था की है कि अंगूठा, अंगूठे के पास वाली तर्जनी और इसके पास वाली मध्यमा, तीनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत कर दिया, देख सकते हैं अंगूठा, तर्जनी, तर्जनी के पास वाली मध्यमा, तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो तर्जनी अंगुली चुंबक के क्षेत्र बी की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। तर्जनी अंगुली चुंबक के क्षेत्र बी की दिशा को प्रदर्शित करती है, और मध्यमा अंगुली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो जो अंगूठे की दिशा होगी वो बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यानी हमारा इस प्रकार से आया था कि हमने अंगूठे का ऐसे किया था, ये आपकी तर्जनी अंगुली थी, ये मध्यमा, सॉरी मध्यमा आपकी बड़ी होगी, तर्जनी, ये आपकी तर्जनी थी, ये मध्यमा थी, इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं दिस इज द डायरेक्शन, ये तो ये आपके फोर्स की डायरेक्शन है, दिस इज द एफ, एफ की डायरेक्शन होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा है, एंड दिस इज द आई की डायरेक्शन, ये आई की डायरेक्शन है, तो तीनों एक दूसरे के लंबवत है। तो इस प्रकार से आप क्या याद कर सकते हैं, इस बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, सपोज मानिए कि ये एक चालक तार है, इसके अंदर धारा आई बह रही है, इसके अंदर धारा आई अपवर्ड डायरेक्शन में बह रही है,
और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्रॉस है, यानी इस पृष्ठ के लंबवत और अंदर की तरफ है। यानी आई के डायरेक्शन ये हो गई और बी के डायरेक्शन ये जो बोर्ड है इसके तल के लंबवत अंदर की तरफ होगी, तो इस पर जो बल लगेगा चुंबकीय बल उसकी दिशा क्या होगी। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कीजिए और इस प्रकार तीनों को फैला दीजिए और इसको कीजिए इस प्रकार से इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बी की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ, तो बी की दिशा यू कीजिए। तो आप देख सकते हैं बी की दिशा यानी जो तर्जनी अंगुली है वो इसके अंदर की तरफ गई, जो बी के डायरेक्शन, तो मध्यमा अंगुली ऊपर की तरफ यानी आई के डायरेक्शन, तो अंगूठा किधर जा रहा है इस वाली साइड में यानी लेफ्ट साइड में, तो जो फोर्स लगेगा ये एफ की दिशा होगी। यहां तक हमने पढ़ लिया था। एक दूसरा नियम और है जिसको हम स्टडी करते हैं कि इस बल की दिशा ज्ञात करने का, एक तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इससे आप फेमिलियर होइए, अपने हाथ का यूज करते हुए बल की दिशा ज्ञात कीजिए। दूसरा एक रूल और है जिसको हम और समझ लेते हैं, वो नियम आपका दाहिनी हथेली का नियम। इस नियम को हम दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम बोलते हैं। सेकंड नियम देखिए, दाएं हाथ की हथेली का नियम, तो देखिए ये नियम क्या कहता है, दाएं हाथ की हथेली का नियम, यानी इसमें आप लोग क्या करना है कि जो दाएं हाथ आपका राइट हैंड है उसको इस प्रकार से खोल दीजिए, पूरा का पूरा ऐसा खोल दीजिए, इसको आप ऐसा खोलेंगे, पूरा का पूरा आपने ऐसा खोला, तो ये जो अंगुलिया की दिशा है, ये अंगुलिया और अंगूठा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना, अंगुलिया और अंगूठा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर मैं ऐसा करता हूं, पूरा खोल दिया है, ये इसको ऐसे करो, उसको पूरा खोल दिया है, तो आप देख सकते हैं अंगुलियों की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है, अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है, और अंगूठा करंट की दिशा को यानी धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो हथेली का तल, हथेली के तल की दिशा ऊपर की तरफ होगी, हथेली के तल की दिशा ऊपर की तरफ होगी, तो ये रिप्रेजेंट करता है बल की दिशा को। ध्यान दीजिए, अगर मैं ऐसा करता हूं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, अंगूठा इधर है तो ये अंगूठे की दिशा है यानी करंट की दिशा है, तो हथेली का तल इधर आएगा आपकी तरफ, हथेली का तल आपकी तरफ आ रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चुंबकीय बल, तो ये है हमारा। तो इस नियम पर लिखते हैं कि इस नियम के अनुसार दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र, अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठे की दिशा धारा की दिशा, अंगूठे की दिशा धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो हथेली के तल की दिशा, तो हथेली के तल की दिशा चुंबक के बल की, चुंबक के बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी, चुंबक के बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कि अगर आपने ऐसा कर दिया, जैसे इसको
बनाऊं आपका, ये ऐसा आ जाएगा। देखिए अच्छे से, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये बन रहा है। तो यहां से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई, करंट की डायरेक्शन, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। ये बी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आई के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये थैली का तल ये ऐसे है, इसका तल ऐसा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। इसका तल ऐसा है, तो दिस इज द थैली का जो तल होगा ये कह सकते हैं, इसकी जो डायरेक्शन आएगी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ, ये एफ के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी कि आपने दाएं हाथ के अथेली को इस प्रकार से खोल दिया, पूरा खोल दिया है, तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को रिप्रेजेंट करती है और अंगूठे की दिशा धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो अथेली का तल ऊपर की तरफ जाएगा, तो फोर्स इधर होगा। अगर ये ऐसा हो गया, यानी बी की दिशा तो ये है लेकिन आई की दिशा विपरीत होगी, तो तल है वो किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तल वो आपका नीचे की तरफ जाएगा, तो ये दिशा किसकी तरफ होगी, फोर्स की दिशा होगी। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, कहां कौन सा अप्लाई होगा वो आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी, कहां कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो सपोज अगर इस तार की बात करें, ये आपका तार है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट इसके अंदर आई फ्लो हो रहा है, और बी की डायरेक्शन क्रॉस है, यानी इसके अंदर की तरफ है, इसके अंदर की तरफ है। तो देख सकते हैं इस पर दोनों नियम अप्लाई होंगे। अगर इस पर हम आपके इस रूल को अप्लाई करता हूं, तो दाएं हाथ की अथेली को खोल दीजिए, दाएं हाथ की अथेली को खोल दीजिए, देखिए तो ये जो अंगुलिया है ये बी की दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है, अंगूठा आई की दिशा को। तो आप देख सकते हैं बी के डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो अंगुलिया अंदर की तरफ जा रहे हैं और ऊपर अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अथेली के तल के डायरेक्शन ये, अथेली के तल के डायरेक्शन ये, यानी फोर्स इस दिशा में लगेगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है। तो इसके अंदर जो फोर्स की दिशा है हम इस नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं, दाएं अथेली के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं, और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, इजी वे में ज्ञात हो जाएगा। देख सकते हैं, देखिए इससे भी होगा, बी के डायरेक्शन, आई के डायरेक्शन और एफ भी इधर इसकी डायरेक्शन हो गया, क्लियर हुआ। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तो इसको आप नोट कीजिए। तो हमने चुंबक के बल की दिशा के दो नियम निकाले, चुंबक के बल की दिशा के दो नियम, और दोनों नियम ये है हमारे, चुंबकीय बल की दिशा के नियम। तो चुंबकीय बल की दिशा के दो नियम है, पहला नियम था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो हमने कल पढ़ लिया था। आज हमने दाएं अथेली का नियम पढ़ा, जिसमें हमने दाएं हाथ की अथेली को इस प्रकार से खोल दिया जिसके अंदर अंगुलिया एंड अंगूठा दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गए हैं। तो अंगुलिया की दिशा बी को रिप्रेजेंट करती है, अंगूठे की दिशा आई को रिप्रेजेंट करता है, तो अथेली का तल ऊपर की ओर है, तो बल की दिशा ऊपर की तरफ, ऐसा हो जाएगा तो बल की दिशा नीचे की तरफ हो जाएगी। ओके, तो ये दोनों नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कैसा डायग्राम दे रखा है, किस प्रकार का आपको दे रखा है, उस हिसाब से ये या ये कौन सा लगेगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो इसको नोट कीजिए, इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट किया होगा आपने, हम आगे बढ़ते हैं, इसको कवर अप कर देते हैं। हमारा जो मैन है आज का वो है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, कि दो समांतर धारावाही चालक हैं उनके मध्य बल क्या होगा, किस प्रकार से लगेगा।
तो देखिए हम दो समांतर धारावाहिक चालक तार लेते हैं इस प्रकार से, ये दो समांतर धारावाहिक चालक तार है, समान लंबाई के हैं, इनमें करंट भी समान परिमाण की बहेगी, जिनके मध्य की दूरी हमने क्या मान ली है, डी मान ली है। इनके मध्य की दूरी हमने क्या मान ली है, डी मान ली है। ठीक है, ये तार आपका ए बी है और ये तार आपका सी डी है। दो तार हमने लिए हैं ए बी एंड सी डी, जिनके मध्य की दूरी डी है, यानी समांतर है और इन दोनों में समान परिमाण की विद्युत धारा बह रही है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी चालक तार में धारा बह रही है, धारा के कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण से उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। यानी धारावाहिक चालक तार को किसी सम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस धारावाहिक चालक तार पर बल लगता है, जिसे बल का मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा होता है। तो यहां हम क्या करते हैं, दो अलग अलग केस लेते हैं और दो अलग अलग केस लेके कौन सा किस प्रकार से लेते हैं, दो अलग अलग केस हम इस प्रकार से ले रहे हैं, थोड़ा सा समझिए, दो अलग अलग केस ले रहे हैं इस प्रकार से। देखिए ऐसे इसके अंदर है करंट जो बहेगा वो ऐसे दोनों के अंदर करंट ऐसे आ जाता है, एक तो ऐसा केस बनता है और दूसरा हमारा ऐसा केस बनेगा इस प्रकार का। देखिए तो दोनों केस में हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम ऐसा एक कंडक्टिंग वायर जोड़ देते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से यहां, और यहां हम क्या करते हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहां पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो देख सकते हैं कि दो समांतर धारावाहिक चालक तार है, इसके अंदर जो करंट बह रहा है, इसके अंदर जो करंट बह रहा है वो ऐसे जाएगा आई मैग्नीट्यूड का करंट और इधर से आएगा, और ये करंट इन दोनों में इधर जाता है इधर से, तो दोनों में देखिए यहां पर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, समान दिशा में, तो समान दिशा में जा रहा है। तो ये तार ऐसा था पहले ये तार ऐसा था, जैसे ही इन दोनों में हमने समान दिशा में करंट प्रवाहित किया तो इनके मध्य की डिस्टेंस कम हो गई, एक दूसरे की तरफ खींचे चले आए, यानी यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, एक दूसरे का आकर्षण बल लग रहा है, यहां पर एक दूसरे का आकर्षण, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। जब समान दिशा में करंट, इन दोनों में समान दिशा में, ये प्रैक्टिकली प्रूफ हुआ है कि जब दो समांतर धारावाहिक चालक तार हैं जिनमें समान परिमाण की विद्युत धारा समान दिशा में, इसमें देख सकते हैं दोनों में समान दिशा में जा रही है, समान दिशा में इधर जाएगी, इसके अंदर धारा इधर जाएगी, इसके अंदर भी धारा इधर जाएगी और इस प्रकार से इधर आ गई। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर धारा विपरीत दिशा में जा रही है, इसके अंदर धारा क्या जा रही है, इधर जा रही है, पॉजिटिव से निकलेगी, इधर से निकल रही है और इसके अंदर इधर आ रही है। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बीच में गैप बढ़ गया तो दोनों एक दूसरे को ने क्या कर दिया, प्रतिकर्ष लगाया, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, ये इधर,
इस प्रकार से ये इसको इधर धक्का दे रहा है, इसमें करंट आई जा रहा है, दोनों में करंट आई है, यहां पर भी करंट आई है, दोनों में करंट आई है और यहां पर भी करंट आई है, दिस इज द आई करंट, दोनों केस आपको दिख रहे हैं। यानी ये चालक तार थे, ये चालक तार थे ए बी एंड सी डी, तो इसको मैं करूं ये ए आपका, ये ए है, ये आपका बी है, ये इधर सी है और ये क्या है डी है, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है और ये डी है, ठीक है। तो जब दो समांतर धारावाहिक चालक तार हैं, जब समान परिमाण की विद्युत धारा समान दिशा में बह रही, धारण समान परिमाण की विद्युत धारा समान दिशा में बह रही है, तो इन दोनों में आकर्षण हो रहा है, और जब समान परिमाण की विद्युत धारा विपरीत दिशा में बह रही है तो इन दोनों में प्रतिकर्षित हो रहा है, इसलिए यहां पर गैप आ गया और यहां पर गैप नहीं आया। तो इसका मतलब धारा के कारण से इनके मध्य बल लग रहा है, इनकी प्रत्येक एकांक लंबाई पर बल लग रहा है, इस बल के कारण से यहां पर ये आकर्षित हो रहे हैं और इस बल के कारण से यहां क्या हो रहे, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो वो कितना बल लगेगा, किस प्रकार लगने वाला है, इसकी हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये चीज आपके समझ में आई होगी, ओके। तो यहां पर नोट करते हैं, इसके अंदर लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि जब किसी धारावाही चालक तार को सम चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक तार पर चुंबकीय बल लगता है, तो चालक तार पर चुंबकीय बल लगता है, ये चीज हम यहां पर पढ़ चुके हैं। अतः यदि एक धारावाही चालक तार के निकट दूसरा धारावाही चालक तार को रखा जाता है, अतः यदि एक धारावाही चालक तार के निकट दूसरे धारावाही चालक तार को रखा जाता है तो प्रथम धारावाही चालक तार इस पर प्रथम धारावाही चालक तार के कारण दूसरे चालक तार पर बल लगता है, इसी प्रकार दूसरे धारावाही चालक तार के कारण प्रथम चालक तार पर बल लगता है। ये चीज हम यहां पर देख सकते हैं कि दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, इनमें समान परिमाण की विद्युत धारा बह रही है, यदि विद्युत धारा समान दिशा में
क्योंकि विद्युत धारा के कारण से यहाँ पर बल लगेगा। तो अगर दोनों में विद्युत धारा समान दिशा में बह रही है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, और जब धारा विपरीत दिशा में बह रही है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इसको आप नोट कीजिए। माना कि दो समांतर धारावाही चालक तार, माना कि दो समांतर धारावाही चालक तार एबी तथा सीडी जिनके मध्य की दूरी स्मॉल डी है, जिनके मध्य की दूरी स्मॉल डी है, निर्वात या हवा में, निर्वात या हवा में रखे हैं तो इनके मध्य बल, माना कि दो समांतर धारावाही चालक तार ए बी तथा सी डी जिनके मध्य की दूरी स्मॉल डी है, निर्वात या हवा में रखे हैं तो इनके मध्य लगने वाला बल, तो इनके मध्य लगने वाला बल फर्स्ट, देखिए दो चीजें, एक इसको मैं ए का नाम दे रहा हूं, इसका बी का नाम दे रहा हूं, दो है इसमें ए और बी, इनके मध्य लगने वाला बल आकर्षण, इनके मध्य लगने वाला बल आकर्षण प्रकृति का होगा यदि दोनों चालक तारों में समान परिमाण की विद्युत धारा, समान परिमाण की विद्युत धारा समान दिशा में, इंपॉर्टेंट है, समान परिमाण की विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, समान परिमाण की विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, इसको हमने चित्र ए से रिप्रेजेंट करता है, चित्र ए से, चित्र ए में यह दिख रहा है, ओके इसको आप नोट कीजिए। दूसरा देखिए, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम इससे आगे लिखवाते हैं आपसे। लिख लिया होगा सभी ने, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट देखिए, मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण, मध्य वाला लगने वाला बल प्रतिकर्षण का होगा यदि दोनों चालक तारों में, दोनों चालक तारों में धारा की दिशा विपरीत हो,
अगर दोनों में धारा की दिशा विपरीत, इसमें इधर जा रही है इसमें इधर जा रही है, इसलिए प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यहाँ दोनों में समान दिशा में धारा बह रही है इसलिए जो बल लग रहा है वो आकर्षण का, इसलिए दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। चित्र इसमें लिख दीजिए, चित्र बी से, बी में ऐसा दे रखा है। ओके, तो यहां तक हमने चीज समझ में आई है कि जब दो समांतर धारावाही चालक तार है जिनके मध्य की दूरी डी है और इसमें समान परिमाण आय की धारा दोनों चालक तारों में प्रवाहित की जाती है, यदि धारा की दिशा समान है, दोनों चालक तारों में धारा की दिशा एक ही है तो दोनों के मध्य आकर्षण का बल लगेगा, और धारा की दिशा विपरीत है तो इनके मध्य प्रतिकर्षण का बल लगेगा। बल क्यों लग रहा है? धारा के कारण से, चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इन पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि इस बल का परिमाण क्या होगा। अब देखिए इनकी प्रत्येक एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का परिमाण क्या होगा, इसको हम देखते हैं। देखिए ये हमारे पास ये चीज आई है, इसके आगे हम देखते हैं। यहां तक हमें ये चीज समझ ली है कि इसमें आकर्षण लग रहा है, इसमें प्रतिकर्षण लग रहा है। अब दोनों की प्रत्येक एकांक लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि माना कि दो समांतर धारावाही चालक तारों, दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाले बल की, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल की गणना करने के लिए, बल्कि गणना करने के लिए माना कि ए बी तथा सी डी, गणना करने के लिए माना कि ए बी तथा सी डी परस्पर डी दूरी पर निर्वात में स्थित है, परस्पर डी दूरी पर निर्वात में स्थित है तथा इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 एवं I2 है। अब हमने क्या मान लिया कि जो दो चालक तार हैं, इनकी इनके मध्य दूरी d है, निर्वात में स्थित है तथा इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 एवं I2 है। इनमें जो धारा बह रही है वो I1 एवं I2 बह रही है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं अब और ऊपर वाला लेता हूं। तो जो धारा बह रही है वो I1 एवं I2, फर्स्ट केस इसके अंदर I1 है, ध्यान दीजिए इसके अंदर I1 धारा बह रही है, इसके अंदर I2, दोनों में समान दिशा में निर्वात में स्थित है तथा इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 एवं I2 समान दिशा में, धारा क्रमशः I1 एवं I2 समान दिशा में, तो इसको सी कह रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर, इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं कि जब किसी चालक तार में
धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण से चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि चालक तार ए भी है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो इससे डी दूरी पर, इससे डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा और इसकी दिशा क्या होगी, वो हम यहां पर ज्ञात करते हैं। चालक तार धारावाही, धारावाही चालक तार ए बी के कारण, धारावाही चालक तार ए बी के कारण डी दूरी पर, धारावाही चालक तार ए बी कारण डी दूरी पर, अर्थात अर्थात चालक तार सी डी के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा। यानी ए भी एक धारावाही चालक तार है जिसमें धारा आई बह रही है, उससे डी दूरी पर चालक तार सी डी के समांतर, डी दूरी पर चालक तार सी डी है, तो इसके इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हमने पढ़ा है अनंत लंबाई का चालक तार है, हमें नहीं पता इसकी लंबाई क्या, अनंत लंबाई का चालक तार है तो इसके कारण से, तो इसको थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं ताकि और इजी वे समझ में आ जाए आपके, ये आपका अनंत लंबाई का चालक तार हो गया, ठीक है, ये ए बी सी डी ऐसे इसको इधर अनंत लंबाई का कर दो इसको, अनंत लंबाई का हो गया, तो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण डी दूरी पर, हमने पढ़ रखा है पहले से ही कि यदि अनंत लंबाई का कोई चालक तार है उससे डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यदि इसके अंदर धारा आई बह रही है तो हमारे पास फॉर्मूला आता है यहां पर बी इक्वल्स टू म्यू नोट आई अपॉन टू पाई डी, ये वाला फॉर्मूला आता है म्यू नोट आई अपॉन टू पाई डी, ये वाला फॉर्मूला आता है, तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बिंदु किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको यदि हम बी वन कहें तो बी वन इक्वल्स टू आएगा म्यू नोट आई वन अपॉन टू पाई और डी, ठीक है, पहले समझ में आया। चालक तार ए बी के कारण डी दूरी पर और डी दूरी पर चालक तार सी डी है, तो उसके किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, वो आएगा म्यू नोट आई वन अपॉन टू पाई डी, ये हमारे पास आने वाला है, ठीक है। अब इसकी दिशा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी दिशा क्या होगी, और दिशा के लिए हमने क्या लिया है, दिशा के लिए हमारे पास क्या आएगा, दाएं हाथ का नियम, ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास दाहिने हाथ का नियम है, और दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है कि चालक तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करती है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पर देखिए ये आई की दिशा होगी, यानी अंगूठा आई की दिशा हो गया, मुझे यहां करना है इस वाले बिंदु पर, तो यहां से इस वाले अंदर की तरफ, इस तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो यहां पर मैं लगा देता हूं क्रॉस, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की तरफ आएगी, ये B1, इसको मैं क्रॉस लगा देता, दिस इज द B1, पहले समझ में आया, दिस इज द B1 हो गया यार, डायरेक्शन ऑफ B1, क्रॉस लगेगा इस यहां पर लिख देता, इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत, इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी, इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ होगी, ओके, ये चीज आपकी समझ में आई यहां तक, तो इसको नोट कीजिए।
इसको मिटा देता हूं। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या निकाल लिया कि जो चालक तार ए बी था जिसके अंदर धारा आई वन बह रही थी, इससे डी दूरी पर जो चालक तार सी डी है उसके किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास है म्यू नोट आई वन अपॉन टू पाई डी, और इसकी दिशा इस वाले पॉइंट से अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो चालक तार सी डी है जिसमें धारा आई टू बह रही है और ये चुंबकीय क्षेत्र बी वन में रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र बी वन में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर चुंबकीय बल लगने वाला है। चुंबकीय बल क्या होगा उसको हम नोट करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, क्या लिखेंगे, अतः धारावाही, अतः धारावाही चालक तार सी डी जिसमें आई टू धारा प्रवाहित हो रही है तथा बी वन चुंबक के क्षेत्र में स्थित है, बी वन चुंबक के क्षेत्र में ये स्थित है, बी वन चुंबक के क्षेत्र में स्थित है कि लंबाई लिख देता हूं, लंबा अल्पांश माने लंबाई, की लंबाई एल, एल लंबाई मान लेते, की लंबाई एल पर स्थित है, की लंबाई एल पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल की लंबाई एल वन पर लगने वाला चुंबकीय बल, यानी इसके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है किसके कारण से, इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण से। ये जो ए बी चालक तार है इसने चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट किया बी वन, और इसके कारण से चालक तार सी डी पर बल लग रहा है, इस बल को हम नाम दे रहे हैं, इस बल को हम नाम दे रहे हैं, या इसके लंबा अल्पांश देते थे हल्का सा कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है कि लंबाई अल्पांश है कि लंबाई अल्पांश, लंबाई अल्पांश है, इसको लिखते हूं डेल एल वन, इसकी लंबाई अल्पांश, इसके स्मॉल पार्ट पर, स्मॉल पार्ट पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा, लंबाई अल्पांश पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा, B1 जिसमें चुंबकीय क्षेत्र, हाँ इसके लंबाई अल्पांश इसको L2 कहते हैं क्योंकि 2 है, चुंबकीय बल होगा वो भी क्या होगा अल्फ होगा क्योंकि अल्पांश है, लंबाई अल्पांश पर लगने वाला बल अल्फ होगा, तो इसको मैं लिखता हूं डेल F, और 2 पर किसके कारण से, 1 के कारण से, क्या हो रहा है कि 2 पर बल लग रहा है किसके कारण से, 1 के कारण से लग रहा है, और लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं बल का फॉर्मूला F बराबर आई एल क्रॉस बी, बराबर आई एल क्रॉस बी होता है, तो इस पर लगने वाला बल ये हमारे पास होगा डेल एफ टू इक्वल्स टू आई वन, क्योंकि इसमें धारा कौन सी बह रही है, सॉरी आई टू, धारा कौन सी बह रही है इसमें आई टू, एल इसका अल्पांश हो गया, एल का मतलब इसके अल्पांश डेल एल टू, इसको मैं लिख दूंगा डेल एल टू क्रॉस बी, बी चुंबक के क्षेत्र कौन सा है बी वन, B1 होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि F इक्वल्स टू होता है I L क्रॉस B, ठीक, या डेल F21 इक्वल्स टू क्या आएगा I2 डेल L2 B1
साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए साइन थीटा, यहां थीटा किसके मध्य है, एल और बी के मध्य का। एल के डायरेक्शन वो होगी आई के डायरेक्शन, आई टू डायरेक्शन ये, और बी के डायरेक्शन अंदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम ले सकते हैं यहां डेल एफ टू वन इक्वल्स टू आएगा आई टू डेल एल टू एंड बी वन। दिस इज इक्वेशन नंबर, चूंकि डेल एल टू परपेंडिकुलर है बी टू के, सॉरी बी वन के, परपेंडिकुलर है बी वन के, थीटा इक्वल्स टू जीरो डिग्री एंड साइन नाइनटी इक्वल्स टू वन, थीटा इक्वल्स टू नाइनटी डिग्री है, थीटा इक्वल्स टू नाइनटी डिग्री। ओके, दिस इज द इक्वेशन हमारा वन था। तो हमारे पास ये आ गया बल, यानी कि इसके चुंबक के क्षेत्र के कारण इस चालक तार पर लगने वाला जो बल होगा ये होगा, लेकिन इसकी दिशा किस तरफ होगी ये इंपॉर्टेंट है, और दिशा के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम काम में लेंगे। और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम ये क्या कहता है कि अपने दाएं हाथ के अंगूठे, अंगूठे के पास वाली और मध्यम तीनों को इस प्रकार से फैलाएं कि अगर तर्जनी बी की दिशा को रिप्रेजेंट करती है, मध्यमा धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करती है, तो अंगूठा बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से देखिए इस पर मैं अप्लाई करता हूं, इस पर अप्लाई करता हूं, अप्लाई करके देखिए ये बी के डायरेक्शन हो गया अंदर की तरफ, आई डायरेक्शन आई टू ऊपर की तरफ, तो बल किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, लग रहा नहीं लग रहा, इस तरफ। या दाया थैले का नियम काम में लीजिए, इस दाया थैले को अप्लाई कीजिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, ये बी के डायरेक्शन को है, अंगूठा आई के डायरेक्शन, आई ऊपर की तरफ है, तो थैले का तल किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, तो इसकी दिशा इस तरफ होगी। तो यहां लिखेंगे इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चालक तार ए बी की तरफ होगी, चालक तार ए बी की तरफ होगी, तो ए बी की तरफ आ रही है, यानी इस बल की दिशा जो आ रही है वो किस तरफ आ रही है, इसकी तरफ। तो ये मैं इसको मिटा दी, इनके मध्य डिस्टेंस थी ये, और इस बल की दिशा ये आ रही है, ये बल हो गया एफ टू वन, एफ टू वन की दिशा इस तरफ आ रही, किस तरफ आ रही, इसकी प्रकार, इसकी तरफ आ रही है, ध्यान दीजिए। इसी प्रकार देखिए ये आपके पास हो गया है इक्वेशन नंबर वन और टू। अब इसके एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा, इस पर तो है डेल एल टू लंबाई पर, तो इस चालक तार के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा वो हम और ज्ञात कर लेते हैं यहां से, और बी वन का मान रख देते हैं, इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं के नियम से चालक तार ए बी की तरफ होगी, बी वन का मान देखिए, समीकरण एक व दो से बी वन का मान रखो, बी वन का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, डेल एफ टू वन इक्वल्स टू कितना आएगा, आई टू डेल एल टू, बी वन का मान क्या था, म्यू नोट आई वन अपॉन टू पाई डी, ये था, ठीक है, हमारे पास ये चीज आई। अब इसके एकांक लंबाई पर लगने वाला बल देखिए, ठीक, चालक तार कौन सा, सी डी, चालक तार सी डी की एकांक लंबाई पर, चालक तार सी डी की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा, डेल एल टू लंबाई पर इतना लग रहा है तो एकांक पर इसका डिवाइड कर देंगे, यानी कि डेल एफ टू अपॉन डेल एल टू इक्वल्स टू कितना आएगा, आई टू डेल एल टू म्यू नॉट आई वन अपॉन डेल एल टू और टू पाई
डी, तो डेल एल टू से डेल एल टू कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से हमारे पास आएगा डेल एफ टू अपॉन डेल एल टू इक्वल्स टू आने वाला है म्यू नोट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी। दिस इज द इक्वेशन नंबर टू हो गया थ्री। यानी जो चालक तार सी डी है उसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल म्यू नोट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी। ध्यान दीजिए चालक तार ए बी इसमें आई वन धारा बह रही है, इससे डी डिस्टेंस पर चालक तार सी डी है जिसमें आई टू धारा बह रही है, तो इस धारा के कारण से इसके एकांक लंबाई पर जो बल लग रहा है वह म्यू नोट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी, यानी किस पर डिपेंड कर रहा है, दोनों चालक तारों में बहने वाली धारा के प्रोपोर्शनल है एंड उनके मध्य की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। अब इसका उल्टा कर दें, उल्टा क्या कर दें कि सी डी, अब ध्यान दीजिए हमने इसके कारण से निकाला, अब इसके कारण से निकालते हैं कि सी डी जो चालक तार है जिसमें आई टू धारा भरी है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र डी डिस्टेंस पर कितना आएगा और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण से इस चालक तार ए बी पर लगने वाला बल क्या होगा, उसको हम यहां पर निकालना चाह रहे हैं। ओके तो देखिए इसको मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, तो बड़े ध्यान से समझिए कि एक चालक तार में जो धारा बह रही है उसके कारण डी डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण से दूसरा जो धारावाही चालक तार है उस पर चुंबकीय बल लगेगा, इसी प्रकार दूसरे के कारण से प्रथम पर बल लगने वाला है। इसी प्रकार धारावाही चालक तार सीडी के कारण, सीडी के कारण डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसको मैं बी टू कह रहा हूं और बी टू बराबर क्या होगा, वही होगा क्योंकि अनंत लंबाई का चालक तार है, कितना होगा म्यू नोट आई टू, आई टू अपॉन टू पाई डी। इसको मैं लिख फोर लिख देता हूं तथा इसकी दिशा, इसकी दिशा देखिए कि इसके कारण से, अब आप देखिए इसके कारण से ये चालक तार है इसमें धारा आई टू बह रही है, इसमें आई टू बह रही है, अपने से दाहिने हाथ का नियम अप्लाई करना है इसमें बह रही है, तो इसके कारण से डी डिस्टेंस पर यहां वाला अंदर, यहां तो इसके कारण तो अंदर जाएगी और इसके कारण से यहां बाहर आएगी, तो यहां क्या आएगा क्रॉस आएगा, ध्यान रखना इस बल की दिशा, तो क्रॉस में डॉट आएगा तो इसको मैं डॉट बना दे देता हूं, इस पर डॉट आएगा और डॉट का मतलब दिस इज द ये बी टू, डॉट बना दिया मैंने तथा इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत एवं भार की तरफ होगी, लंबवत एवं भार की तरफ होगी, इसे चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक तार ए बी के लंबाई अल्पांश, के लंबाई अल्पांश इसको लिखते हैं डेल एल वन पर लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल देखिए क्या आएगा, इसकी अल्पांश पर लगने वाला चुंबकीय बल देखिए क्या आता है, चुंबकीय बल की परिवाह डेल एफ वन इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, सदिश रूप में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा आई टू सॉरी आई वन, इसमें आई वन बह रहा है और डेल एल वन क्रॉस बी टू, क्रॉस बी टू आएगा हमारा,
क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं इसका, या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, या डेल एफ वन इक्वल्स टू आएगा आई डेल एल वन बी टू, डेल वन है बी टू, चूंकि डेल एल वन और बी टू एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड साइन 90 इक्वल्स टू क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बी टू का मान रखें समीकरण 4 से, देखिए क्या आएगा, या डेल एफ वन इक्वल्स टू आई डेल एल वन, बी टू की वैल्यू यहां से रखें म्यू नॉट आई टू अपॉन 2 पाई डी। इस बल की दिशा किस तरफ होगी, इस बल की दिशा देखिए, बल की दिशा याद करनी बहुत जरूरी है हमारे लिए, इस बल की दिशा क्या होगी, अप्लाई कीजिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इसके ऊपर जो बल लग रहा है, अब देखिए इस पर करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, चुंबक के क्षेत्र बाहर की तरफ है, चुंबक के क्षेत्र क्या है बाहर की तरफ, तो इसको बाहर की तरफ करें। अब देखिए इसको हम करेंगे तो हमारे पास ये, इसको अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं इसको अप्लाई करें, या मैं इस वाले हाथ को यूं अप्लाई करता हूं, बाहर की तरफ है ये, बाहर की तरफ देख सकते हैं इसको मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो चुंबक के क्षेत्र बाहर की तरफ यानी इधर है, चुंबक के क्षेत्र क्या है इधर आ रहा है और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हथेले का तल किस तरफ है अंदर, किस तरफ है इधर, इस वाले चालक तार की तरफ यानी सीडी की तरफ होगा, सीडी की तरफ होगा, ये इसको अप्लाई करके देखिए, ये बी की दिशा है तो बी की दिशा अंदर की तरफ जाएगी, बी की दिशा क्या जा रही है अंदर की तरफ, तो आप देख सकते हैं बी की दिशा सॉरी अंदर की बाहर की तरफ, बी की दिशा क्या आ रही है आपकी बाहर की तरफ, ऐसे तो ऐसे कीजिए इसको, ऐसे कीजिए, ऐसे करना पड़ेगा, तो दिस इज अ बी की दिशा, ये आई की दिशा, आई ऊपर की तरफ जा रहा है और अंगूठा इस तरफ है, अंगूठी की दिशा किस तरफ आ रही है इस तरफ, तो ध्यान दीजिए बी की दिशा करंट आई ऊपर की तरफ जा रहा है एंड एफ किस तरफ है इधर, तो एफ की डायरेक्शन ये होगी, तो इसके लिए एफ की डायरेक्शन किधर होगी, इसके लिए मैं देखूं तो ये दिस इज द, ये हो जाएगा एफ वन टू, वन पर टू द्वारा लगने वाला बल, तो इसको नोट कीजिए ये एफ वन टू आएगा, वन द्वारा टू द्वारा वन पर लगने वाला है, तथा इस बल की दिशा इंपॉर्टेंट, इस बल की दिशा चालक तार सीडी की तरफ होगी, किस तरफ होगी सीडी की तरफ होगी, ये जानना बहुत जरूरी है, सीडी की तरफ होगी, प्रत्येक अंग लंबाई पर लगने वाला बल चालक तार ए बी की प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर बल, प्रति एकांक लंबाई पर बल कितना लगेगा उसको देखिए, डेल एफ वन टू अपॉन डेल एल वन इक्वल्स टू क्या है, डेल एल वन से डेल एल वन कट जाएगा, क्या आएगा देखिए म्यू नोट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो आप देख सकते हैं यानी ये इस चालक तार के कारण से इस पर बल लग रहा, इस चालक तार के कारण से इस पर बल लग रहा, दोनों चालक तार में धारा बज रही है, समान दूरी d है, तो एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं और एक दूसरे की प्रत्येक अंग पर लंबाई लगने वाला बल क्या एक समान है, समीकरण 5 और 6, समीकरण 5 और 6 हमें क्या कर रहा है कि दोनों की प्रत्येक अंग लंबाई पर लगने वाले बल का मान क्या है एक समान है, तो देखिए यहां से हम क्या कह सकते हैं, और ये देखो जब धारा एक ही दिशा में बह रही है, समान दिशा में बह रही है, तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं ना, ये बल एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो जब धारा समान दिशा में बहती है तो बल कैसा होगा आकर्षण का होगा,
यहां से देखिए हमारे पास क्या निकल रहा है। देखिए समीकरण थ्री एंड फाइव से स्पष्ट है कि समीकरण थ्री एंड फाइव से स्पष्ट है कि दो समांतर धारावाही चालकों की दो समांतर धारावाही चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है कि दो समांतर धारावाही चालकों की प्रत्येकांक लंबाई पर लगने वाला बल समान होता है अर्थात कितना आएगा डेल एफ वन टू अपॉन डेल एल वन इक्वल्स टू डेल एफ टू वन अपॉन डेल एल टू इक्वल्स टू क्या आता है म्यू नोट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी ये आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रहनी चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स। ये इक्वेशन सिक्स हमें याद रहना चाहिए कि जो दो समांतर धारावाही चालक तार जिनके मध्य की दूरी डी है और दोनों एक दूसरे आई वन आई टू दोनों में धारा वैरी है, इनके मध्य की दूरी डी है तो इनकी प्रत्येक आंक लंबाई पर बल लगेगा म्यू नोट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी धारक म्यू नोट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी। यानी हमें क्या मालूम होना चाहिए इसमें करंट क्या बह रहा है इसमें करंट क्या बह रहा है और दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी। और यहां से रिजल्ट क्या निकला कि जब दोनों में समान दिशा में धारा बह रही है तो लगने वाला बल है उसकी वजह से दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ऐसे अगर धारा की दिशा को विपरीत कर देंगे तो लगने वाला बल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो यहां से इंपॉर्टेंट चीज हमारे निकलकर सामने आई है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट परिभाषा हम पढ़ने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसको आप नोट कीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, अतः आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें और इसको समझे तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है और अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो फिजिक्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। तो मानक एम्पियर की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट। मानक एम्पियर की परिभाषा यहां से निकल कर आएगी। एक नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है या इसके साथ आपसे पूछ लिया डायरेक्ट क्वेश्चन या इसके साथ आपसे पूछ लिया जाता है तो इसको आप जरूर समझे। तो कहां से स्टार्ट करेंगे कि दो समांतर धारावाही चालकों की प्रत्येक आंक पर लगने वाला जो बल है उसका सूत्र हमें मालूम है कि दो समांतर धारावाही चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल दो समांतर धारावाही चालकों की प्रत्येकांक लंबाई पर चुंबकीय बल और उस बल का मान कितना है हम जानते हैं डेल एफ अपॉन डेल एल लिखेंगे तो म्यू नोट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी। ये हमारे पास फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई वन आई टू आई टू है दिस इज द आई टू आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी। ये हमारे पास फॉर्मूला आया था दो समांतर धारावाही चालक हैं उनकी प्रत्येक आंक लंबाई पर लगने वाला बल आई वन आई टू इसमें बहने वाली धारा है और डी इनके मध्य की दूरी है। तो देखिए एक एम्पियर की मानक परिभाषा क्या होगी यहां से हम कह दें कि यदि आई वन इक्वल्स टू आई टू इक्वल्स टू वन इसको वन मान लेते हैं वन एम्पियर एंड डी इक्वल्स टू वन मीटर डी इक्वल्स टू क्या मान लिया हमने वन मीटर तो क्या आएगा तो
डेल एफ अपॉन डेल एल, देखिए क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन टू पाई, म्यू नॉट अपॉन टू पाई जाएगा, क्योंकि ये तो वन हो गया, या इसको मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं, टू पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए क्या आएगा, टू पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो टू पाई म्यू नॉट अपॉन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम टू पाई से, तो ऊपर तो टू पाई आएगा, नीचे टू पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, फोर पाई, और हम क्या जानते हैं म्यू नॉट अपॉन फोर पाई कितना होता है, टेन की पावर माइनस सेवन, ये किसके बराबर हो गया, टू पाई इंटू टेन की पावर माइनस सेवन, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इक्वल्स टू टेन की पावर माइनस सेवन होता है, या हम लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल एल इक्वल्स टू कितना आएगा, टू पाई इंटू टेन की पावर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर, यहां से निकल कर आएगा न्यूटन पर मीटर। ओके टू पाई से ओनली टू से मल्टीप्लाई, सॉरी टू पाई से मल्टीप्लाई नहीं करना, टू से, क्योंकि इसको फोर पाई बनाना है, टू पाई तो पहले से, टू से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो फोर पाई बन जाएगा, तो इससे टू ओनली टू, ओनली टू रखा जाएगा यहां पर, ओनली क्या आएगा टू आएगा, ओनली टू से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये टू, तो टू इंटू टेन की पावर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि दो समांतर धारावाही चालक तार जो एक दूसरे से, दो समांतर धारावाही चालक तार जो एक दूसरे से एक मीटर दूरी पर स्थित है, एक मीटर दूरी पर स्थित है, और इनके मध्य बहने वाली धारा का मान एक एम्पियर है, इनके मध्य बहने वाली धारा का मान एक एम्पियर है, तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, समान दिशा में आकर्षण, विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण धारा, लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दो गुणा दस के घात माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर है, तो इसका अर्थ हुआ इनमें बहने वाली धारा का मान एक एम्पियर होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, दोबारा देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि दो समांतर धारावाही चालक तार हैं जिनके मध्य की दूरी को हमने इकाई कर दिया, जिनके मध्य की दूरी को मैंने इकाई कर दिया, और इनके मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दो गुणा दस की पावर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर हो जाए, तो हम कह सकते हैं इनमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा, एक एम्पियर होगा, और यही मानव एम्पियर की परिभाषा, इंपॉर्टेंट परिभाषा, तो इसको आप लिखिए, तो यहां से लिखेंगे अतः है एक एम्पियर, अतः है एक एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है, एक एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात या हवा में, जो निर्वात या हवा में परस्पर एक मीटर दूरी पर स्थित, निर्वात या हवा में परस्पर एक मीटर दूरी पर स्थित है, परस्पर एक मीटर दूरी पर वह धारा जो निर्वात या हवा में परस्पर एक मीटर लंबवत है, लंबवत दूरी है दोनों के मध्य एक मीटर है, लंबवत दूरी पर स्थित है, दो लंबे सीधे धारावाही, दो लंबे सीधे सीधे, दो लंबे सीधे धारावाही समांतर चालकों की, दो लंबे सीधे धारावाही एक एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात या हवा में परस्पर एक मीटर लंबवत दूरी पर स्थित दो लंबे सीधे धारावाही समांतर चालकों में,
समांतर चालकों में प्रवाहित करने पर उनकी प्रति एकांक लंबाई पर चालकों में प्रवाहित करने पर उनकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान दो गुना 10^-7 न्यूटन पर मीटर हो। ये इसकी परिभाषा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा। अतः एक एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात या हवा में परस्पर 1 मीटर लंबवत दूरी पर स्थित दो लंबे सीधे धारावाही समांतर चालकों में प्रवाहित करने पर उनकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान 2×10^-7 न्यूटन पर मीटर हो। इसी का 1 एम्पियर की मानक एम्पियर की परिभाषा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए इस 1 एम्पियर की परिभाषा को भी आप अच्छे से याद कीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक था काफी इंपॉर्टेंट था कि दो समांतर धारावाही चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, क्योंकि बल तो लगेगा, धारावाही चालक तार है, और वो जो बल लगेगा वो होगा μ0I1I2/2πd होगा। और यहां से हमने एक मानक एम्पियर की परिभाषा पढ़ी, क्या परिभाषा पढ़ी कि यदि इनके मध्य दूरी को 1 मीटर कर दिया जाए और इनमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर का मतलब हुआ कि इनकी प्रति एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल है वो कितना हो जाए 2×10^-7 न्यूटन पर मीटर हो प्रति एकांक लंबाई पर, तो इनमें जो भी धारा बहेगी वो कितनी होगी 1 एम्पियर की होगी। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और पूरा वॉच करके अपने अच्छे से नोट्स बनाएंगे तभी आपको फिजिक्स अच्छे से समझ में आने वाली है। तो फिजिक्स को समझते रहिए और हमसे जुड़ते रहिए, एंड वंस अगेन आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं आप अपने जो स्टडी है उसको बड़े ही इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ते रहेंगे और अपने मकसद में जरूर सफल होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।